हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज यूजिंग ऑफ फॉर्मूलाज इन टेबल्स। टेबल्स में जो फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं एज इन पार्ट 1 आईपी सब्जेक्ट। लेक्चर नंबर 36 है। हम वर्ड माइक एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं कि एमएस वर्ड में किस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। एमएस वर्ड को आपने डिटेल में अभी तक स्टडी किया। एमएस वर्ड में आपने डॉक्यूमेंट को टाइप करना सीखा। टाइप करने के बाद उसकी एडजस्टमेंट, पैराग्राफ सेटिंग, पेज सेटअप, ये सब चीज़ें करी। तो कल हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग टेबल्स, हाउ वी क्रिएट टेबल्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आपको टेबल्स क्रिएट करने हो तो किस तरह से टेबल्स को क्रिएट किया जाता है। टेबल्स को क्रिएट करने में आपने टेबल्स को क्रिएट करने में क्या क्या चीज़ें करी, जिसमें क्रिएट टेबल किया। क्रिएट टेबल करने के दो मेथड्स थे, जिसमें चाहे आप चाहें तो सीधा डायरेक्टली सिलेक्शन से भी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं कि टेबल को मैं सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने से कितनी रोज और कॉलम्स लेनी है, या तो आप इंसर्ट करवा दो तो इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, तो जैसे ही इंसर्ट पे जाएंगे तो आपके पास फिर कॉलम्स और रोज के लिए नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आ जाएगी ब्लैंक। तो आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो क्लिक करेंगे तो उसकी टेबल बन जाएगा। या तो आप ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं, जिसमें आपने ड्रॉ किया, एक पेंसिल आ जाएगी आपके पास, तो पेंसिल के साथ टेबल को ड्रा किया जा सकता है। इसके बाद आपने क्या किया कि रोज को इंसर्ट करना हो, इंसर्टिंग ऑफ रो, रो एक पर्टिकुलरली एक रो इंसर्ट करवानी हो, पर्टिकुलरली एक कॉलम इंसर्ट करवाना हो, कॉलम को इंसर्ट कैसे करवाया जाएगा, उसके बाद डिलीट रो किया आपने, एक रो बीच में से डिलीट करनी हो, डिलीट कॉलम, कॉलम को डिलीट करना हो किस तरह से, ये सब चीज़ें कल हमने देखी थी कि किस तरह से करी जाती है। बट स्टूडेंट्स यही तक नहीं है, क्योंकि टेबल्स में इसके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं एक टेबल बनाता हूँ आपके पास, जिस टेबल पे हम देखेंगे कि आपको फॉर्मूला बार किस तरह से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कई जगहों पर आपको किस तरह से बनाना पड़ता है कि आपके पास मान लो एमएस वर्ड में आपने डेटा बेस बनाया हुआ है, जिसमें आपने क्या किया है कि एक सीरियल नंबर लिख दिया है, नेम लिखा है, नेम के बाद मंथ लिख दिया है और उसकी सैलरी लिखी है कि कौन सी मंथ की सैलरी है और कितनी सैलरी है। तो आप एक लेजर बना रहे हैं जिसमें आपको हर महीने की सैलरी का रिकॉर्ड रखना है मंथ वाइज। तो हमारे पास नंबर 1, 2, 3 इस तरह से कॉलम्स बनेंगे। यहीं पे कोई भी मैनिपुलेशन करनी होगी, कोई भी चेंजिंग करनी होगी तो आप करेंगे। ये आपने लिख दिए नाम। अब मंथ में आपने लिख दिया कि मैं सैलरी बना रहा हूँ मई मंथ में, मई 2020, सारे महीने वही। अब जो सैलरी है हर एम्प्लॉइज की डिफरेंट है, तो मान लो इसकी 60,000 सैलरी है, इसकी 70,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 30,000 है। स्टूडेंट अब आपने ये सैलरी बना दी, आप चाहते हैं कि इस महीने में मेरा कितना एक्सपेंडिचर हुआ, दैट मीन्स मुझे कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए। आप यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल, कि टोटल सैलरी आपकी इस मंथ में कितनी यूज हो रही है, आपको टोटल करना है। ये तो कुछ है एंट्रीज मैंने ली है कोड, मान लो इनको ऐड करना आसान है, बट आपके पास पूरे पेज पे एंट्री है और एंट्री जो है वो जो भी आपके ये नंबर्स हैं वो नंबर्स पूरी तरह से फ्रैक्शन में नहीं है। कोई आपका 567 है, कोई 292 है, उस तरह से आपको ऐड करना उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपसे कोई ना कोई मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। आपको चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसका सम ले लूँ। नो डाउट कि मैं कैलकुलेटर से जमा करूँ, बट आपको अगर इजिली कैलकुलेटर का आपको फिगर को टाइप करना पड़ेगा, तो एक इजी मेथड होना चाहिए जिससे मैं सारे के सारे फिगर्स को ऐड कर पाऊँ। जब आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको तो पता है कि सबमिशन का साइन होता है, तो आपको सबमिशन का साइन यूज करके आप उसको क्लिक मारते हैं, तो क्लिक करने से आपका खुल जाता है। लेकिन एमएस वर्ड में ऐसा नहीं है, तो एमएस वर्ड में अगर आपको ऐड करना हो तो फार्मूला बार किस तरह से लगता है, तो ये भी एक बहुत आसान है। आपके पास जो मेनू बार रहेगी ऊपर टॉप में, उसमें लास्ट टाइप पे, लास्ट पे यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा,
यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला लिखा होगा। बहुत सारे मीनूज होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कि एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा जिसमें फॉर्मूला लिखा होगा। अब वो फॉर्मूला है, आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने क्लिक करना है यहाँ पे, जब आप माउस का क्लिक कर रहे हैं, क्लिक द कर्सर, आपने एक कर्सर यहाँ पे रखा, जैसे ही कर्सर आपने रखा, कर्सर रखने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूलाज पे जाइए। फॉर्मूला पे जाने के बाद गो टू फॉर्मूला टैब, जो फॉर्मूला टैब पे आप गए तो इसके बाद आपके पास एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी, जिस विंडो में आपके पास इस तरह से लिखा होगा एक इस तरह से विंडो आएगी, उस विंडो में लिखा होगा सम एबो, सम होना चाहिए एबो, दैट मींस ऊपर वाली साइड का जो भी ऊपर इसके इस कर्सर के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उनके डिजिट्स को आप सम कर दो। आगे अपने आप ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला लगा होगा और यहाँ पे आपका इक्वल टू लिखा होगा, जिस तरह से आपका सम हो जाएगा क्लिक करते हैं, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो आपका सम सभी का यहाँ पे आ जाएगा। बट ये तो हुआ कि आपने टॉप वाला किया तो आपका सम आ गया, अब कहीं भी आपको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, दैट मींस कहीं से लेफ्ट को सम करवाना है, कहीं से राइट साइड को सम करवाना है, कहीं से बॉटम को ऊपर की ओर सम करवाना है, पीछे से ऊपर की ओर सम करवाना पड़ रहा है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं हमें डॉक्यूमेंटेशन एडिशन में। जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं डाटा में, हमारे पास कुछ ऐसी नंबर्स होंगे जिनको आपको लेफ्ट से राइट की ओर जमा करना होगा, जहाँ राइट से लेफ्ट की ओर करना होगा, तो ये है, ये आपका कहाँ से है, अपर टू बॉटम, दैट मींस ऊपर वाली साइड से बॉटम की ओर ऐड होगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं यहां से वहां, वहां लिखा होगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट होगा। बट अगर आपके पास आपने ऐड करना है तो फॉर्मूला क्लिक किया तो आपके पास राइट टू लेफ्ट भी एंट्री पड़ी हुई है और लेफ्ट टू राइट भी और ऊपर से अप से बॉटम की ओर भी लिखी है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या इसको ऐड यहाँ से नीचे करना है या इसको यहाँ से यहाँ करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसी एंट्री होगी जिस एंट्री में दोनों साइड से एंट्रीज होंगी, आपके अपर साइड से भी एंट्री है तो इस साइड से भी एंट्री है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 500, 400, 300, यहाँ पे लिखा है 600, 700 और 900। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर हो रही है कि आपको यहाँ से ऐड करना है या यहाँ से ऐड करना है, कहीं भी आपको चाहिए कि इस कॉलम में मैं लेफ्ट से राइट ऐड करो और इस वाले को अलग से ऐड करो, इस वाले को ऐड करने की जरूरत नहीं है लेकिन लेफ्ट से राइट ऐड करना है, तो आपके पास जैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार पे जाएंगे, फॉर्मूला टैब पे जाने के बाद आपको आपके पास चाहे सम अबो आ रहा है चाहे सम लेफ्ट टू राइट आ रहा है, जो कंडीशन आपको परफॉर्म करनी है आपको वही चेक करनी है। अगर आपको लेफ्ट टू राइट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पे एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे तो आप एडिट करेंगे, दैट मींस माउस से सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके आप लेफ्ट टू राइट लिख देंगे, जब लेफ्ट टू राइट लिखेंगे ओके करेंगे तो लेफ्ट टू राइट ओके करने से आपका यही ऐड होगा, तो आप इस जगह पे अगर ऊपर से टॉप से बॉटम की ओर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अबो लिखेंगे कि इस एंट्री से जितनी भी ऊपर वाली एंट्रीज हैं वो सारी हो जाए। इसका ये कहने का मतलब है कि जब भी आप फॉर्मूला बार लगाते हो क्रिएशन ऑफ टेबल्स में तो फॉर्मूला बार में आप सिंपली ऐड तो कर ही सकते हो जो भी ऐड करना है, बट आप उसको फॉर्मूले को एडिट करके लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी एडिशन कर सकते हो थोड़ी सी चेंजिंग करके, जो आपके पास विंडो खुलेगी डायलॉग बॉक्स खुलेगा उस डायलॉग बॉक्स में थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, की जा सकती है। आपको ये चेक करना है कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मुझे कौन सी एंट्री चाहिए, क्या चीज आपको ऐड करनी है और कहां से ऐड करनी है, जो भी चीज आपको ऐड करनी होगी तो आप लेफ्ट टू राइट या अपर टॉप टू बॉटम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूले का सिंटैक्स है, फॉर्मूला इस द्वारा
लगाया जाता है एमएस वर्ड में फॉर्मूला के अलावा, फॉर्मूला की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों रहता है कि मोस्टली बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि इसमें एडिशन नहीं हो सकती, इसमें आप एडिशन नहीं कर सकते, तो इसमें एडिशन कर सकते हो, इवन की सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, लेकिन आप एडिशन आपकी इंपॉर्टेंट है कि एडिशन जो है मोस्टली बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिन डॉक्यूमेंट्स में आपको एमएस वर्ड के अंदर की एडिशन करनी पड़ेगी। कुछ एंट्रीज हैं तो एमएस एक्सेल का सारा डेटाबेस जो बनता है वो डिफरेंट बनता है, आपको हर कॉलम में एडिशन करना बड़ा इजी है, लेकिन एमएस वर्ड में भी आपको एडिशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो आप कैसे एडिशन कर सकते हो, तो इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट का पता चलता है कि आप ऐड भी कर सकते हो एमएस वर्ड में, और वो एडिशन लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है, टॉप टू बॉटम भी हो सकती है, बॉटम टू टॉप भी हो सकती है, जो भी सिंटैक्स आपका चेंज करना होगा उसको आप कर सकते हो। अब इसके अलावा हमारे पास और एमपीसी कृष्णा टेबल में जो यूजिंग फार्मूला है, यूजिंग फार्मूले में आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, आपको फाइंड और रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपको फाइंड और रिप्लेस करना हो, मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में मैंने कोई एक एंट्रीज की हुई है और मेरे पास कम से कम 100 पेजेस हैं, जिसको हम फाइंड एंड रिप्लेस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फाइंड और रिप्लेस। आपके पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसमें 1 से लेकर 500 पेजेस है, एटलीस्ट इतने पेजेस का डॉक्यूमेंट है, और इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पेज प्रॉपरली। एक ही पेज को जाके और मैं एक एक लाइन को चेक करूं कि कहां पे क्या कंटेंट लिखा हुआ है। आपने क्या किया कि कुछ ऐसी कॉमन सी टर्म्स हैं जो हर पेज पे या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपने लिख दी है कि दिस डॉक्यूमेंट इज रिटन बाय, आपने हर पेज में ऐसा लिखा हुआ है, या तो आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज का रेफरेंस दिया हुआ है हर एक चीज में। आप पूरी की पूरी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, आपने क्या किया स्पेस प्लेस जो है प्लेस का नाम गलत लिख दिया, आपने हर जगह पे इस तरह से लिख दिया है मैथरा राम, और या तो आपने साथ में स्टेट लिख दिया कहीं गलती से स्टेट ऑफ जेएमपी। अब आपको पता है कि यूटी है तो आपको ये चेंज करना है, तो सारे का सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चेंज करना पड़ा, और एड्रेस भी आप चेंज करना चाहते हो कि मैं यहाँ पे लोकेशन पे मैथरा ना लिखूं, तो आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को और एक पेज पे आप जाते हो जहां पे आपने लिखा था, हो सकता है कि एक पेज में 4 प्लेसेस पे लिखा हुआ, दैट मींस 4 प्लेस पे, फर्स्ट लाइन पे है, फर्स्ट लाइन के बाद फिफ्थ लाइन पे है, फिर 8th लाइन पे है, फिर 12th लाइन पे है, तो 1 पेज में 4 प्लेसेस पे है, एक पेज पे लिखा तो 4 जगहों पे है, तो ऐसे 500 पेजेस में कितनी जगहों पे होगा, दैट मींस डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते कितना टाइम लेगा। और ये भी हो सकता है कि एक पेज में मैं 3 जगह पे ठीक कर दूं तो फोर्थ वाली जगह पे रह जाए, जब दूसरे किसी पेज में 2 जगह पे नहीं करता हूं 3 जगह पे रह जाए, ओवरसाइट हो जाए, तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी नहीं रहेगी। इस केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो यूज करते हैं एमएस वर्ड में, दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद स्टेप 1 में क्या करना है, फाइंड एंड रिप्लेस में स्टेप 1 में जैसे ही आप जाते हैं you have to click find, click find and replace करता ही आता है, जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस तरह से, और आपके पास एक ब्लैंक स्पेस पड़ी हुई, आपको लिखा होगा फाइंड, फाइंड करो। आपने क्या करना, सबसे पहले फाइंड करना, आपने फाइंड में यही चीज लिख देनी है मैथरा रामगढ़ स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ जेएमके, अब आपको क्या करना है रिप्लेस पहले तो फाइंड किया, फाइंड करने का मतलब है कि किस किस लोकेशन पे है,
जैसे आप ये चीज लिखेंगे तो आप किसी भी पेज पे माउस का क्लिक दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस लोकेशन पे या इतनी नंबर ऑफ लोकेशन पे ये चीज रिपीट हो रही है। वो भी बता देगा आपको कि 500 प्लेसेस पे आपने इस सेंटेंस को लिखा हुआ है। तो आपसे आपको ये पता चल गया, आप सर्च कर चुके हो कि मेरी प्रॉब्लम है कहां पे, आप फाइंड कर चुके हो, सर्च कर चुके हो। इससे ये डाटा सारा सर्च होता है कि किस किस जगह पे ये फाइंड, ये जो डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा हुआ है। अब आप इसको क्या करना चाहते हो, रिप्लेस, दैट मींस रिप्लेस किसको करना चाहते हो, आप इस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करना चाहते हैं। पहले तो आपने फाइंड किया, फाइंड के बाद अब आप रिप्लेस करना जा रहे हैं कि रिप्लेस किसको करो, नीचे आएगा रिप्लेस विद। स्टूडेंट्स अब आपको ये लिखना है कि आप इसको रिप्लेस करते हो तो किस में, वहां पे आपने लिखना है ओनली रामबन। इतना सा आप चाहते हैं कि जितनी भी जगहों पे मेरा ये एड्रेस लिखा हुआ है वो सारे का सारा इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो आपको ये भी चीज बताइए कि आपका अगर 500 प्लेसेस पे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है पूरे के पूरे 500 पेजेस में, आपको इतनी जगहों पे डिलीट करना बहुत पॉसिबल नहीं है और इतनी जगहों पे एडिट और मैनिपुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फाइंड और रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस विद करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद ये बोलेगा कि रिप्लेस ऑल और रिप्लेस विद। रिप्लेस विद तो किया आपने, रिप्लेस इन वन पेज, टू पेज, थ्री पेज, नेक्स्ट नेक्स्ट बताएगा या सीधा रिप्लेस बताएगा। यहां पे ये भी दो तीन ऑप्शंस आएंगे नीचे कि रिप्लेस नेक्स्ट आएगा कि एक ही पेज में आप रिप्लेस करना चाहते हो या आप रिप्लेस और करना चाहते हो। तो आपका मतलब क्या है कि आपको 500 पेजेस में सारे के सारे पेज में रिप्लेस करना है। अब सीधा करेंगे रिप्लेस और। जैसे ही आप रिप्लेस और क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी पूरे जो डॉक्यूमेंट्स था उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में 100 से लेकर 500 पेजेस में पूरा डाटा रिप्लेस हो गया होगा और उसमें हर जगह पे रामबन UTF-JNK लिखा हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट है जिनसे हमारी गलती हुई होती है, हम प्लान्स बनाते हैं बहुत बड़े बड़े जिसमें कोई डेट चेंज करनी पड़ती है, एग्जैक्टली कोई डेट चेंज, कोई डाटाबेस चेंज करना पड़ता है या कहीं पे किसी प्लेस का नाम लिखा होता है या किसी ऑथर का नाम लिखा होता है या किसी का कोई रेफरेंस दिया होता है वो बार बार हम देते हैं। तो आपने जहाँ पे भी वो रेफरेंस दिया होगा उसको आप हटा सकते हो रिप्लेस कमांड से। फाइंड रिप्लेस एंड रिप्लेस विद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट है आपका चेंज हो गया है। इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस का आपके एमएस वर्ड में बहुत सहायता करता है, आपको हेल्प करता है। जो आज आपने फॉर्मूले के बारे में देखा, जो फॉर्मूला है आपका, आपने किस तरह से फॉर्मूले को लगाया, आप फॉर्मूले को कैसे लगा सकते हैं, किस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके खुलेंगे, उस डायलॉग बॉक्स में आप फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एमएस वर्ड में एडिशन करनी ही पड़ती है। जब भी आपको एडिशन करनी होगी तो आप फॉर्मूला पे जाके क्लिक करेंगे और पूरी की पूरी जो एंट्री है विदाउट एरर के ओके हो जाएंगे। और ये फाइंड और रिप्लेस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि फाइंड और रिप्लेस को क्यों करना पड़ता है, किस लिए इसकी इंपॉर्टेंट नीड रहती है। तो कल स्टूडेंट फिर से हम मिलेंगे दूसरा टॉपिक लेके एमएस वर्ड का। तो तब तक आप ये फॉर्मूला जो टेबल्स में है उसकी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।